तो आज पढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 में हमने पहले क्वेश्चन तो कर लिया था फर्स्ट का फर्स्ट। अब क्या करते हैं हम फर्स्ट का फाइव करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके बराबर जीरो रखना है, ठीक है। उसके बाद टी स्क्वायर बराबर इधर ये माइनस के 15 है, इधर क्या हो जाएगा प्लस के 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टी बराबर स्क्वायर वन बराबर से इधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में 15 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो टी बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के 15 एंड प्लस के 15 रूट के अंदर, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं शून्य, शून्य बराबर माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जांच, ठीक है। तो जांच के लिए फॉर्मूला बता दें मैंने आपको, फॉर्मूला था शून्य को का योगफल बराबर क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये होता है तो शून्य होगा योगफल, योगफल का मतलब होता है ऐड करना यानी जोड़ना। तो ये क्या हमारे पास शून्य के लिए हमारे तो माइनस के रूट 15 योग बोल रहा था ऐड करते, ठीक है, और प्लस के रूट 15, ठीक है। उसके बाद इक्वल माइनस एक्स का गुणा, हमारे पास यहाँ पे एक्स नहीं है और फॉर्मूला हमारे क्या है एक्स में, तो क्या होगा टी का मान रखते हैं यानी कि टी का गुणांक क्या होता है, टी का गुणांक इसमें है नहीं, हमारे पास क्या है टी स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो टी का क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, माइनस एन एन तो रख लो। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स की जहां से है हमारे पास टी स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई में वन होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा प्लस में है और माइनस में, और ये हमारा प्लस में, तो प्लस एंड माइनस को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। इक्वल जीरो को वन से ऐड करेंगे आ जाएगा हमारा जीरो, ठीक है। अब उसके बाद एक फॉर्मूला हुआ था शून्य को का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो माइनस के रूट 15 मल्टीप्लाई प्लस के रूट 15 इक्वल, अचर पद हमारे पास क्या है, अचर पद हमारे पास माइनस के 15 अपॉन टी स्क्वायर का मान हमारे पास 1, करते मल्टीप्लाई इसके और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 15, माइनस में तो माइनस में यानी प्लस और माइनस माइनस होते हैं इक्वल, 15 को वन से डिवाइड करेंगे माइनस के 15, ठीक है। ये होगा हमारे सत्यता की जांच, दोनों हमारे सेम आए ये भी और ये भी, ठीक है, ये होगा हमारा प्रूफ। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड का फर्स्ट करते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा हमें शून्य होगा योग दे रखा, ये शून्य होगा योग और क्या दे रखा गुणनफल, ठीक है। तो हम इसमें क्या करना माना द्विभाज बहुपद मान लो ये मान लें हम एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, ठीक है, तथा इसके शून्य मान लें हमने अल्फा और बीटा, ठीक है। अब क्या करना उसने क्वेश्चन में बोल रखा क्या है हमने इसका ये दे रखा है शून्य होगा योग, तो क्या है शून्य होगा योग कर लो, शून्य को का योग, शून्य क्या है हमारे पास अल्फा और बीटा, योग कर देने देगा बराबर योग हमें क्या दे रखा योग हमें और बीटा दे रखा है, ठीक है, 1/4, ठीक है। मैं इसे बराबर मान लेता हूं b अपॉन a माइनस बी अपॉन ए बराबर मान लेता हूं इसे। उसके बाद उसने दे रखा है गुणनफल, ठीक है, शून्य के लिए मेरे पास शून्य का मैंने बेटा गुणनफल और दे रखा क्या मुझे माइनस वन दे रखा, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा c अपॉन a, ठीक है, ए ए का मान मेरे पास क्या है 4, तो 4 रख लूंगा
और वन आना है मुझे, ठीक है रहते हैं फोर ही रख दूंगा माइनस के फोर, क्योंकि अगर मैं माइनस के फोर से फोर को कट करूंगा तो माइनस के वन आएगा, ठीक है। अब क्या करनी, तुलना करने पर, तुलना करने पर कंपेयर करते हैं इसकी, ठीक है। माइनस के बी यानी माइनस के बी बराबर क्या है, वन है, ठीक है। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के वन, ठीक है। उसके बाद हम करना है ए, ए बराबर तो फोर ही हो जाएगा, उसके बाद सी बराबर हो जाएगा माइनस के फोर। अब ये वाले मैं मान पा नहीं देता हूं द्विघात ओपन में, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए ए का मान हमारे क्या है फोर, तो फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का मान हमारे क्या है माइनस के वन, माइनस के वन रख लेते हैं और एक्स, ठीक है। प्लस सी, सी का मान हमारे पास क्या है माइनस के फोर, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के एक्स हो जाएगा प्लस माइनस माइनस के फोर और इक्वल जीरो रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे द्विघात बहुपद, ये हमें निकालने की, ठीक है।